अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वेलकम टू अ न्यू वीडियो फ्रॉम आयशा गोट फार्म, द प्लेस वेर यू सी अ लॉट ऑफ डिफरेंट गोट्स। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग गुजरी सिरोही अजमेरा बकरे देखेंगे जो ईद पर्पज़ से आ चुके हैं, माशाल्लाह कुर्बानी पर्पज़ से आ चुके हैं। एक से एक क्वालिटी के आपको मैं बच्चे दिखाने वाला हूँ, फुल कलर बच्चे माशाल्लाह, एक से एक नायाब कलर के बच्चे आज आप देखेंगे। अहमद भाई से हम बात करेंगे और ज़्यादा डिटेल्स आप तक लाएंगे इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई सबसे पहले तो माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छे बच्चे माशाल्लाह, क्योंकि मैंने भागते हुए इनका वीडियो लिया। जी जी, डिफरेंट कलर्स जी, माशाल्लाह एक्टिव बच्चे हैं, यंग बच्चे हैं माशाल्लाह। सो एक छोटा सा आप इंट्रोडक्शन बता दें कि इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हो, क्या एक्सपेक्ट करेंगे इंशाल्लाह। ये वीडियो में ना बेसिकली दो क्वालिटी है जी, एक तो गुजरी के छोटे हैं ये जो हम देख रहे हैं, देख रहे हैं ये 40-60 केजी जो बजट के लिए है। ओके, और दूसरा जो है वो 60+ गुजरी जो 100 तक है, वो 60-95 तक तो है जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र। और दूसरा मैं फिर से एक बार आपको रिपीट करता हूँ असीम भाई, मेरा माल जो है वो पलाई का माल है जी, बलावा माल है जी, मिनिमम मेरे ख्याल से 8 महीना बलावा माल है जी माशाल्लाह। और ये माल जो है वो इसको बराबर वैक्सीनेशन दिया गया है, कोई ट्रेडिंग वाला माल नहीं है। फिर भी मेरी कोशिश है कि मैं इसको मोस्ट रीजनेबल प्राइसेस में माल दूँ। और आप इसके बारे में आपका क्या कहना है, मैं आपको भी एक बार पूछ रहा हूँ। पाल के सेल करना एवरी टाइम यू नो ये काफ़ी लाइक एक्सपेंसेस जुड़े होते हैं जी, जी, उसके बावजूद जो रेट्स में आप सेल करते हो, इसका रेट तो आप इंशाल्लाह बताएंगे अभी, पर जो रेट्स में आप सेल करते हो ये काबिल तारीफ़ है माशाल्लाह। ट्रेडिंग में कैसा होता है, हमको 100-200 भी ऊपर मिल गए तो हम जी, ना बिकॉज इट्स अ ट्रेड, वन डे ट्रेड, वन आवर ट्रेड, 10 मिनट का भी ट्रेड हो सकता है, लेकिन इट्स लाइक यू हैव इन्वेस्टेड इन, हैवी रिस्क होता है, इन्वेस्टमेंट भी होता है और मोर्टेलिटी का भी रिस्क होता है जी। और इसमें मोर्टेलिटी हुई है, नहीं हुई है, लॉट पे भी हुई और बड़े गुजरी में भी हुई और वो सोजत में भी हुई है जी। तो मतलब ठीक है, वो अपना पार्ट ऑफ बिजनेस होता है। हाँ, और वो आप पहले एक्सपेक्ट भी करके रखते हैं, हो जाती है सही। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं मोस्ट रीजनेबल प्राइस में जी। आप एक बार थोड़ा ओवरव्यू बता दें प्राइस का इसका, देन मैं लोगों को सारे बकरे दिखा दूंगा। ये माल है ना, ये माल अपन इंशाल्लाह 375 रुपीस पर केजी में देंगे, 375 पर केजी। और इसमें एक खाली बात है कि ये माल अपने को आप मैं रखूंगा नहीं जी, क्योंकि मेरे पास है ना कैपेसिटी नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बार कस्टमर्स कुर्बानी के लिए लेते तो उनको बहुत एक्सपेक्टेशन होता है जी, माल एंड तक सही रहे जी। तो अभी जितना मैं संभाल पा रहा हूँ वो संभालूंगा, ये माल मैं संभाल नहीं पाऊंगा, ओवरलोड कैपेसिटी हो जाती है तो। और आपके सिरोही गोट्स और आएंगे इंशाल्लाह जी, वो तो आते तो वो हिसाब से यू हैव टू सेल दिस है ना, सेल होता है तो ये आप रखेंगे नहीं पहली बार, यानी जो प्राइस आप कह रहे हो ये फिक्स होगा ये या? हाँ, और एक बात, हाँ, इसमें ये एकदम नॉट नेगोशिएबल प्राइस रहेगा जी। मैं एक आपके व्यूअर्स को, हमारे कस्टमर्स को एक हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मेरे को फोर्स मत करना कम करने के लिए। मैं बहुत आजीजी से बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास इतनी जगह नहीं है जी इसमें नेगोशिएट करने की, सही है। और दूसरा क्या है कि कभी मैं नहीं करता हूँ ना तो कस्टमर सामने वाले बुरा मान लेते जी कि भाई आपने तो जिद पकड़ ली जी, ऐसा नहीं है भाई, मेरी मिनिमम कॉस्ट पर मैं मेरा बिजनेस कर रहा हूँ जी, मिनिमम मार्जिन पे, तो प्लीज़ समझिएगा मेरी एक रिक्वेस्ट है कि नेगोशिएट मत करिएगा, सही है। तो अभी क्या करते हैं ना हम लोग, अगेन यू नो ये बकरे आप तो रखेंगे नहीं तो कभी से सेलिंग स्टार्ट करें ताकि लोग ले, सैटरडे मॉर्निंग से इंशाल्लाह सेलिंग स्टार्ट करें, जो आने वाला भी सैटरडे मॉर्निंग, सैटरडे मॉर्निंग 26th of June। ओके, तो मैं अभी बकरे दिखा देता हूँ लोगों को, तो जिसको भी बकरे चाहिए आके बुक कर सकते हो, लेके जा सकते हैं इंशाल्लाह। और ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी है यहाँ पे, हमारे सब टेम्पो वालों से बातचीत हुई है, रिक्शा वाले भी हो जाएंगे अरेंजमेंट, और खुद का भी अगर टेम्पो लेके आए, रिक्शा लेके आए तो उससे अच्छी कोई चीज़ नहीं, सही, क्योंकि इन लोगों को तो कस्टमर्स को एक फ्री माइंड में आएंगे कि वजन करना है और पैसा देना है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई बकरे पे हाथ रख दिया और कोई बकरे का रेट ज्यादा है, इसका रेट कम है, हमारे फार्म में एकदम ट्रांसपेरेंट, बस 375 रुपए बस। और जो बड़े बकरे आप दिखाने वाले हो जी इसी वीडियो में जी, उनका रेट अलग होगा, उसका रेट 450 रुपीज केजी होगा जी। और वो बकरे लगभग, अच्छा ये गुजरी जो है वो अबाउट 65-70 गुजरी है जी, ये 65-70 जो अभी हमारे सामने 375 रुपीज वाले, और वो जो है अबाउट 30-35 गुजरी है,
और उसका रेट 450 होगा और वो बकरे को रखने की मेरे पास फैसिलिटी है। ठीक है, वो बकरे में एंड ईद तक इंशाल्लाह ईद के एक दो दिन पहले तक पाल सकता हूँ। ठीक है, तो हम लोग इससे स्टार्ट करते हैं, विल टॉक अबाउट द बिग गोट्स लेटर। सो आइए दोस्तों आपको एक एक बकरा मैं दिखाऊँ। जैसे मैं आपको बता रहा था कि इसमें 40 किलो से लेकर 60 किलो तक के बकरे हैं, माशाल्लाह सब खसी बकरे हैं इसके अंदर। कुछ अंडुल बकरे हैं अमन भाई इसमें? पूरे खसी है, पूरे खसी हैं, है ना। इसके अंदर बहुत अच्छे कलर के गुजरी हैं जो इनके पाले हुए बकरे हैं दोस्तों। मैं सारे बकरे आपको दिखा देता हूँ एक बार, एंड ये आप फ़ोन पे नहीं बुक कर सकते, आपको खुद आना होगा। आप फ़ोन पे नहीं बुक कर पाएंगे, बहुत डिफ़िकल्ट होगा जी, क्योंकि एक दो बकरे दस बकरे नहीं है ना, कुछ गलती हो जाती है ना तो कस्टमर को बुरा भी लग जाता है जी। तो आ जाए, लेके जाए, वो बेहतर है। अगर कोई है ही नहीं, समझो हमारे जैसे अफ्रीका वाले हैं या जो सऊदी वगैरह में जो नहीं आ सकते, वो शायद फ़ोन करें तो पॉसिबल है। मगर मेरे ख्याल से करेंगे तो अच्छी बात है, मगर क्या है कि बहुत डिफिकल्ट होगा मेरे हिसाब से। ज़्यादा बेहतर ये कि खुद आके लेना है, क्योंकि ये ऐसा है वो पालने वाला होता है ना जी, जो अपन रखते हैं उसमें अपन किस हद तक वो केटर कर सकते हैं। सही है, ठीक है। तो ये बकरों के लिए तो जैसे भाई ने बता दिए हैं, यू नो दिस इज, आपको आके लेना होगा। कलर देखें आप, 70 नंबर। मैं कुछ बकरे जो वैसे तो सभी अच्छे हैं, पर कुछ का मैं नंबर के साथ डिस्क्राइब करता हूँ। मक्का चीना जी, मक्का चीना आगे गया। ये देखें आप, 91 नंबर, बहुत एक परफेक्ट बकरा है माशाल्लाह। ये एक बकरा देखें आप, 80 नंबर। इसकी सिंग देखें, कलर पैटर्न देखें, इसके साथ में 70 नंबर। ये अगेन एक और बकरा। तो सब बकरे अच्छे कलर्स में, और मालूम पड़ता है कि यू नो मंडी से लाए हुए नहीं है। हाँ। या ये तो डिफरेंस मालूम पड़ता है, यू नो। बस ये मैं यही बोलना चाहता जी, असीम भाई यही बोलना चाहता। 92 नंबर दोस्तों, उसके बावजूद मैं इतना रीजनेबल प्राइस में दे रहा हूँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कायम रखे। 112 नंबर आपके सामने, 68 नंबर। ये एक बच्चा देखें, गोल्डन गोल्डी बकरा है माशाल्लाह, फुल गोल्डन, पीला भी बोलते हैं इसको। कलर देखें, इसका नंबर तो वो साइड में मेरे को दिखा नहीं, लेकिन गोल्डी बकरा एक ही है। ठीक है, ये मुंडा बकरा देखें, 105 नंबर। तो मैं सब नंबर बता रहा हूँ। ये पंच बकरा है, लेकिन ये थोड़ी हरकत होती है। और ये आई थिंक बकरा है ना, ये पुराने लॉट का। हाँ, पुराने लॉट का, ये एक बकरा, एक ही बकरा है। नंबर 73 है। ठीक है, गुजरी देखें सब एक साथ, चार पांच गुजरी इधर ही हैं। 84 नंबर, बहुत प्यारा कलर है। ठीक है, ये देखें 109 नंबर, फुल बना हुआ बकरा। तो ये सब अच्छे बकरे हैं दोस्तों, देखें चेक करें। तो दोस्तों मैं वापस अंदर चल के आपको दिखाता हूँ। ये कोटा में क्रॉस बकरा है, बहुत अच्छे कलर में है भी। ये एक बकरा चेक करें। बताने का मकसद है कि आपको एक ओवरऑल क्वांटिटी और क्वालिटी मालूम पड़ जाए, ताकि आप जब आएंगे तो आपको ये बकरे मिलेंगे। एंड दोस्तों जैसे भाई ने बताया, 375 रुपीज़ में ये ही लॉट है, इसमें जितने बकरे हैं वो। इसके अलावा जो बड़े बकरे हैं वो अलग प्राइस के हैं, वो हम इसके यही वीडियो में थोड़ी देर में देखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, इसके ऊपर बेल्ट नहीं है भाई, ये बिकाऊ बकरा है क्या? बेल्ट निकल गया, शफीक निकल गया। अच्छा, तो शफीक भाई ने पहन लिया। 109 नंबर का कितना खूबसूरत बकरा है, 109। ये एक चेक करें छोटू, ये ब्लैक एंड वाइट कलर, चांद बनाए देखें आप, वाह। 72 नंबर है उसका। ठीक है, ये सब कलर देखें, ये कलर भी यूनिक है, 59 नंबर। सब बकरे दांत कर लिए ना भाई? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, सब दांत, सब ने दांत कर लिए, क्यों? छोटे छोटे बकरे माशाल्लाह दिख रहे हैं भाई। तो ये जो कम बजट की कुर्बानी करते हैं लोग, जी जी, वो प्राइस में ही आ जाएंगे, उनके लिए तो बहुत अच्छा रहेगा। ये कुछ लोग अगर प्राइस नहीं समझते वजन के हिसाब से, तो आपका इसमें मिनिमम क्या रुपए का बकरा है? 14-15 हज़ार का भी होगा। 14-15 हज़ार के बकरे हैं, और इसके अंदर एक 25 हज़ार तक के बकरे हैं, है ना? 25 तो बहुत दूर की बात है, 22-23 के ऊपर नहीं होगा, है ना? आराम से मिल जाए ना, 20 हज़ार तक बहुत परफेक्ट एक बकरा घर ले जा सकते हैं आप लोग। और कलर भी, हाँ शफीक भाई, कलर इस बार बहुत मेरे को वंडरफुल कलर्स, माशाल्लाह वंडरफुल। और ज़्यादा बकरे सफ़ेद चेहरे के हैं। ये एक बकरा देखो आप लोग। तो दोस्तों ये सारे बकरे दिखाए हमने 375 रुपीज़ पर केजी से। अब ये बकरे जाएंगे और अब हम बड़े बकरे आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह जी। सलीम, सलीम,
माशाल्लाह सब बच्चे गोल हैं, मजेटो जैसा आप देखते हैं, गोल गोल बच्चे, शॉर्ट हाइट माशाल्लाह, ब्यूटीफुल कलर्स। सो अहमद भाई, वी हैव कंप्लीटेड द स्मॉल सेक्शन इन जी अल्हम्दुलिल्लाह। सो विल गो फॉर द बिग वन, बड़े बकरे 30-35 आ गए। ठीक है, तो वो एक एक करके पकड़ के दिखाएंगे इंशाल्लाह। चलिए, दोस्तों आपको अभी सेकंड लॉट देख रहे हैं आप, इसमें बड़े गुजरी है माशाल्लाह, 70 किलो, 65, 80 किलो, 90 किलो, ये रेंज के सारे गुजरी है माशाल्लाह। दो तीन बकरे 90+ भी है। अच्छा, 90+ भी है। हाँ, दो तीन बकरे जैसे ये वाले, वो देखो वो दिख रहा है। हाँ, बड़ा बकरा है भाई माशाल्लाह, ब्राउन लाइट ब्राउन, तो लगभग ये तो 90-100 के बीच में ही होंगे। ये जोड़ी है एक, वाह, गोल्डी की और पीछे, और हाइट भी इनकी बहुत अच्छी है। नंबर बता, साइज देखें आप बकरों की, लेंथ देखें माशाल्लाह, बहुत अच्छी लेंथ के बकरे हैं। एसपी 10 नंबर है और ये नंबर इसका 34 है माशाल्लाह। 80+ वाले भी 4-5 बकरे जी, 90+ वाले भी 2-3 बकरे, और जो मतलब जैसे ये मीडियम अगर वेट में भी ये पर खूबसूरत बहुत है, बहुत बहुत अच्छे। एक्चुअली क्या है कि ये जो 375 और 450 का जो रेट डिफरेंस है, वो भी मैं क्लेरिफाई करना चाहता हूँ जी, कि ये जो बकरे की जो परचेज है ना, वो थोड़ी सिलेक्टिव होती है जी, तो उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा कॉस्ट देना पड़ता है जो बड़े बकरे आप लेते हो, और उसकी पलाई का खर्चा भी ज़्यादा आता है जी, उसका जो मंथली पलाई जो देनी पड़ती है वो भी ज़्यादा देनी पड़ती है जी, उसमें अपनी कॉस्ट बढ़ती है, तो वही हिसाब से वो 450 में हमको देना पड़ता है। मतलब ये भी पिक्सेलेटेड है, पूरा पला हुआ माल है, ये भी लगभग 8 महीने से हमारे यहाँ पला हुआ। तो ये माशाल्लाह इसके अंदर जैसे आपने बताया 90 से लेकर 95 केजी के बीच में ही माल है इसके जी, अंदर। ये देखिए ना ये बकरा, ये 33 नंबर, बहुत अच्छी लेंथ में, 36 नंबर का बकरा जी। ये देखो ये सामने खड़ा है, देखें आप 10 नंबर का है ना, तो वो हिसाब से इसके अंदर बकरे बहुत अच्छी फ्रेम में, और मेरे को ऐसा लगता है कुछ बकरे इसमें पलटी लायक भी बहुत है जी, जो आप रख के पालने लायक बकरे माशाल्लाह। ये जो दो बड़े बकरे, इनकी हाइट भी 40+ ही है माशाल्लाह, माशाल्लाह। समय भाई ये बकरा है 33 नंबर का, मैं भाई से अभी पूछ रहा था, तो इसकी हाइट भी 42-43 हाइट है इसकी। अच्छा, मुझे इतना आइडिया नहीं है जी, जो मालूमात नहीं होती तो मैं नहीं बोलता। और हाइट के अलावा जो इसकी लेंथ है ना, वो बहुत इनक्रेडिबल है माशाल्लाह। ठीक है, ये देख लेते हैं, 36 नंबर। सो भाई से जैसे मैंने पूछा, इसकी हाइट 44 है और 36 नंबर का बकरा है, और वजन भी जैसे बताया 90+ ही है जी। ठीक है, की वाला बता दो, ये बड़ा वाला। सो ये 34 नंबर का बकरा है, फुल टाइगर कलर में, 34 नंबर, और इसकी हाइट है 40। वजन तो आप कर लेना जब आप आएंगे, 85+ होगा, 80+ होगा लगभग जी। एंड वजन तो इंशाल्लाह जब लोग आएंगे तो खुद ही करेंगे, है ना। एंड ये एक बकरा देखेंगे 14 नंबर का, 14 माशाल्लाह, सही है। सो दोस्तों ये एक बकरा है माशाल्लाह 11 नंबर का, एंड लगभग इसकी हाइट भी 39-40 है। सो ये सारे बकरे जो आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव है माशाल्लाह, और हाइट में भी काफ़ी अच्छे हैं। ज़्यादा मैं तो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन इसके अंदर ऐसा लगता है कुछ बकरे पलटी लायक भी हैं, जो बड़े बकरे का शौक़ करते हैं हैवी गोट्स का, वो इंशाल्लाह आके चूज़ करके भी ले सकते हैं इसमें से। और अहमद भाई, इसको रखने की भी फैसिलिटी है ना इंशाल्लाह, ये अगर कोई रखना चाहे पूरा साल तो हम रखेंगे। अच्छा, और इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे, और ये बार तो अभी फ़िलहाल तो मैंने 2000 रुपया ही रखा है पनाही का जी, फिर इंशाल्लाह हो सकेगा मैं जनवरी में रिवाइज करूँगा। तो अगर इसमें से कोई लेके छोड़ दे आपके पास तो रख लेंगे ना, सही है, दिसंबर तक तो 2000 है पनाही। ठीक है। सो दोस्तों काफ़ी अच्छे टाइगर प्रिंट कलर में माशाल्लाह, अगेन इसका 10 नंबर है, एंड बकरा आपके सामने, कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है माशाल्लाह। सो माशाल्लाह अगेन ब्यूटीफुल कलर, जो गुजरी पैटर्न कलर, वाइट चेहरा, चारों पैर वाइट माशाल्लाह। इसका नंबर है 7 नंबर भाई, 7। तो आपको कैसा लगा पर्सनली ये बकरा? माशाल्लाह अच्छा लगा, है ना, ये प्रॉपर गुजरी जो बोलते हैं ना हम लोग,
वो है। और ज़्यादा बकरे देखिए ज़्यादा वाइट हैं इसके अंदर, तो ये भी एक अच्छी निशानी है माशाल्लाह। तो अगेन जैसे मैंने आपको बताया था, आइए अपने बकरे चूज़ करें। ये पीछे एक बकरा आ रहा है, देखें कितनी बड़ी सिंग में, इसका नंबर मैं बताता हूँ आपको। क्या नंबर है? 6 नंबर है। 6 नंबर, 6 नंबर, वाह। तो दोस्तों होपफुली ज़्यादातर बकरे हमने आपको दिखाए, और जब ये वापस जाएंगे तो भी आपको मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा सारे बकरे दिखा दें। अहमद भाई फर्स्ट ऑफ ऑल जो कंडीशंस में यहाँ रखे हुए हैं बकरे जी, वो सेम जो सोजत की पलाई की कंडीशन रहेगी, सेम कंडीशन इसको भी अप्लीकेबल रहेगी। क्यों कि भाई छोटा मोटा अगर खरोच हुआ थोड़ा आया और वज़न तोड़ा, तो अच्छा वज़न तोड़ेगा तो वज़न जो रहेगा एट द टाइम ऑफ डिलीवरी वही चार्ज, वही चार्ज होगा। यस, और मगर कस्टमर को लेना पड़ेगा, फिर वो थोड़े अपसेट भी हो जाते हैं कि भाई वजन तो क्यों होता है, मगर क्या बारिश की सीजन है, कभी कभी अपने कंट्रोल में नहीं रहता, हमारी कोशिश पूरी रहेगी। और कभी कोई कपड़ा बकरा मर जाता है या समझ लीजिए बहुत बड़ा डैमेज हो जाता है या बीमार है, तो फिर वो बकरे का मैं रिप्लेसमेंट भी दे दूँगा और रिफंड भी दे दूँगा। रिप्लेसमेंट ऐसा है कि भाई बकरा सामने हो तो, नहीं होगा तो रिफंड दे दूँगा। ठीक है, इसके अलावा जो कंडीशन में बकरे यहाँ रखे हुए हैं, आपका न्यू शेड रेडी है, मैं थोड़ा सा अगर आप इजाज़त दे तो बाहर से दिखाना चाहूँगा। माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से, जैसे नीचे सैंड मतलब जो आपने मट्टी वगैरह भी डाली हुई है बकरों के खुरों के लिए अच्छा है, पानी का इंतज़ाम, फीडिंग, मक्खी मच्छर से दूर है बकरे, तो ये सारी चीज़ें आप और लाइक अपने शफीक भाई पूरी टीम को उसका क्रेडिट जाता है माशाल्लाह। शफीक भाई और उनकी टीम को ही क्रेडिट जाता है, मेरा तो कोई, मैं इतना कोई इतनी मेहनत नहीं करता हूँ जी, मैं तो बस कभी कभी आ जाता हूँ, खाली इतना मैनेजमेंट में कोशिश करता हूँ कि क्वालिटी बेस्ट से बेस्ट दे सकूँ। सही है, और इन लोग से हमारे हमेशा इन टच रहता हूँ। सही है, तो इनको भी एक वो मिलता रहता है, एक मोटिवेशन रहता है टीम को। सही है, तो बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका टाइम देने के लिए। अभी हम लोग बकरे ले जाके थोड़ा मैं बाड़े जो नए बने वो भी दिखा देता हूँ। ज़रूर ज़रूर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों आइए और ये बकरों के साथ ही अंदर चलते हैं इंशाल्लाह। सो माशाल्लाह दोस्तों सारे बकरे आ रहे हैं, आपको एक बात कॉमन दिख रही होगी माशाल्लाह, ये सब सफ़ेद चेहरों के बकरे, ये बहुत ही अच्छे गुजरी नस्ल में कुर्बानी के लिए परचेज़ करें। अगर आपको इनको पलटी मारना है, यू नो, अगर आपको इनको पालना है तो 2000 रुपये पलाई आयशा गुड फार्म पे विद गुड फीड एंड ऑल, आप इनसे बात कर सकते हैं। आपने तो कहीं और भी पला सकते हैं, आपके जो पहचान के फार्म ओनर्स हैं वहाँ भी आप पला सकते हैं। तो अगर कोई भी बकरा आपको परचेज़ करना है तो इनसे कांटेक्ट करें। सो अहमद भाई की परमिशन से हम लोग दिखा रहे हैं माशाल्लाह। अहमद भाई बहुत अच्छा ये न्यू शेड बना है आपका, ये नया शेड है, यहाँ पे पहले ताल पत्री वगैरह लगी जी, अल्हम्दुलिल्लाह अभी उसके ऊपर गैस के, क्योंकि जो बाहर के बकरे आते हैं जी, तो उसको सेल करने के लिए कस्टमर के लिए देखने के लिए भी इजी होता है, और यूट्यूब पर हमने अच्छा पैसे जी जी पैसे भी अच्छा, मैं एक एक करके दिखा देता हूँ। अंदर का शेड तो दिखा चुका हूँ बहुत बार, ये बाहर का नया शेड बना है, नीचे आप देखें ये मट्टी है कि भाई लकड़ी का भूसा है, भूसा है, सामने देखें पानी का पूरा इंतज़ाम ताकि नल खोल दें, तो यू नो इससे क्या होता है काम करने वालों के लिए भी आसानी आती है, है ना, ईजी होता है। ये गावनी जो बनाए हैं माशाल्लाह देख सकते हैं आप, है ना, ये सीमेंट की है, सीमेंट नमक रखा गया है। हर बाड़े में आपको फंकाल, एक लाइट और एक बल्ब, ये तीन चीज़ सब मिलेंगी इंशाल्लाह। ये प्लास्टिक से हमने लाइट ऊपर से भी लाइट का नेचुरल लाइट भी आती रहे। सही, तो ये बाड़े हैं, एक्चुअली ये बाड़ा खाली है अभी, क्योंकि कुछ बकरे अभी डायरेक्ट उसमें ही गए हैं, तो अभी बाद में चेंज करेंगे। और आप देखेंगे कस्टमर्स के लिए जो आएंगे उनके लिए यहाँ फंका है, बैठने का भी इंतज़ाम होगा, पानी वगैरह का है। सो यहाँ वेट मशीन भी यहाँ ही रखेगी इंशाल्लाह, है ना जी जी। तो कस्टमर आराम से यहाँ पर आ सकते हैं, वेट कर सकते हैं। ठीक है, वैसे तो क्या होता है मैं हर वीडियो में बता ही देते हैं, हम लोग एड्रेस दे ही देते हैं जी, पर फिर भी शायद कुछ कस्टमर नहीं जान पाते। एकदम सिंपल बोलता, सिंपल है, आप डायरेक्ट अपने घर से निकलेंगे ना तो आयशा गोल्ड फार्म मत टाइप करिएगा जी, आप है ना मेरे ख्याल से नदी नाका टाइप करो, नदी नाका पुलिस स्टेशन, नदी नाका पुलिस स्टेशन, वहाँ पे आके फिर आयशा गुड फार्म टाइप करो, तो आपको एकदम सीधा सीधा रास्ता मिलेगा, पूरा ब्रिज मिलेगा, ब्रिज से आप नदी नाका उतरेंगे और वहाँ से आयशा गुड फार्म टाइप करेंगे तो आपको सीधा सीधा ही रास्ता, उससे ना राइट आएगा ना लेफ्ट आएगा। सही, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, अच्छा लगा आपके साथ में माशाल्लाह। ठीक है, आप लोग का भी बहुत बहुत शुक्रिया मदद करने के लिए। अरे आसिम भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया माशाल्लाह, आपका तो जबरदस्त सपोर्ट है हमको जी जी, और मैं बोलूंगा कि हमारी अल्हम्दुलिल्लाह हम आप जो शो करते हैं उसमें हम कोशिश करते हैं कि पूरा अपने आप को उतारें, मतलब जो बोलते हैं उसमें हम 100% उसको कंप्लाई करें जी, मगर फिर भी आप पहुंचाते हो मैसेज, और कस्टमर्स जो है
वो आपका बहुत ट्रस्ट करते हैं। जी 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 अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमारे आपके ट्रस्ट को मैं मेरी इज्जत समझता हूँ। मैं बोलता हूँ कि नहीं जो बोल रहे हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह आप व्यू बता रहे हो तो उसको मैं कंप्लाई करूँ और दोनों की कोशिश है और आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जज़ाकअल्लाह अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि भाई हमको अल्लाह ताला इस काम में कायम रखे। जज़ाकअल्लाह आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।